वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम लोगों का अभी द बेस्ट पोके डेबल कॉन्टेस्ट के फाइनल और आखिरी राउंड में। तो गाइस ये राउंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम लोगों की वीडियोस की एडिटिंग रेट करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो चलो बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे पोके मॉन्स्टर वाई कंटेस्टेंट की। इनकी एडिटिंग मुझे ओके लग रही है, बट अगर मेरे हिसाब से अगर तुम बैकग्राउंड थोड़ा और इम्प्रूव करते और थोड़ा इन एनिमेशन वगैरह डालते फॉन्ट्स में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। एंड वैसे तो तुम्हारी एडिटिंग काफ़ी अच्छी है, बेटर है बाकी पोकेट्यूबर से, बाकी छोटे पोकेट्यूबर से। अभी आगे देखते हैं कि बाकी के पोकेट्यूबर्स ने कैसी एडिटिंग की है। वैसे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम लोगों से कि तुम लोग काफ़ी तगड़ी एडिटिंग की करोगे, और मुझे वही देखने को मिल रहा है। तो चलो गाइस बात करते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट जो कि है पॉकेट प्लेयर ऑफिशियल। इनकी रेटिंग मेरे जैसी है लगभग, बस बैकग्राउंड में थोड़ा मूविंग है, उन्होंने बस एक इमेज लगा दी है। और इनका एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे काफ़ी सही लगा, और इन एनिमेशन वगैरह पे काफ़ी ओके डाला इन्होंने। और अगर ये थोड़ा और टेक्स्ट डाल देते कि कौन सा पोकेमोन है तो मैं शायद इन्हें थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे पाता अपनी तरफ से, बट तब भी इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। फैक्ट नंबर 5 देखते हैं क्या है चम्यूटो के बारे में। ओके ठीक है, अब हमारे अगले कंटेस्टेंट है सेरेना पोकेटिवो। भाई इन्होंने तो काफ़ी तगड़ी एडिटिंग की है गाइस, मुझे लगता है कि इनकी एडिटिंग अभी तक सारे कंटेस्टेंट में काफ़ी अच्छी है। वीडियो एडिटिंग और साथ ही में इनका वॉइस ओवर भी काफ़ी अच्छा है, मैंने सुना है, मुझे काफ़ी पसंद आया इनका वॉइस ओवर भी। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन एनिमेशन में डाला है, और की एनिमेशन के इन्होंने काफ़ी बढ़िया यूज़ किया है। मुझे लग रहा है कि ये इस कॉन्टेस्ट के राउंड तो यही जीतने वाले हैं, इस कॉन्टेस्ट के विनर यही हो सकते हैं। अब हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं रॉयल पोकेटिवा। इनकी एडिटिंग मुझे काफ़ी सही लगती है, सही बता रहा हूँ। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसी एडिटिंग कर पाएंगे, बट कॉन्टेस्ट के लिए शायद उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। उसके लिए भाई मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एफर्ट दिखाया है अपनी एडिटिंग, और तुमने काफ़ी ज़्यादा सही इन एनिमेशन वगैरह भी डाले हैं। वॉइस ओवर भी ओके बट थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। और ये जो तुमने क्या एनिमेशन डाला वो मैं भी कई बार यूज़ कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। हमारे अगले कंटेस्टेंट है राइजिंग पोकेट्यूबर। गाइस इनकी वीडियो काफ़ी लेट आई तो मैंने सोचा था इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दूँ, बट इन्होंने काफ़ी मेहनत करके अच्छी वीडियो डाली तो मैंने सोचा इन्हें वापस ले लेते कंटेस्टेंट में। इनकी एडिटिंग भी ओके है, और अगर मेरी बात करूँ तो इन्होंने ओवरले ऊपर नहीं किया है, यानी वो जो बाउंड्री है इन्होंने ओवरले ऊपर नहीं किया है, वो शायद इनकी गलती हो गई। तो हाँ गाइस हमारी यही कंटेस्टेंट थे। अब मैं बताने वाला हूँ तुम लोगों को मुझे सबसे बढ़िया वीडियो किस पोकेट्यूबर की लगी है। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया वीडियो थी सेरेना पोकेट्यूबर की। और अगर बाकी कंटेस्टेंट्स की बात करें तो उनमें सबसे अच्छी वीडियो थी राइजिंग पोकेट्यूबर और रॉयल पोकेट्यूबर की। वैसे तो तुम सभी ने काफ़ी मेहनत की है, अभी मैं और मेरा भाई डिसाइड करके जल्दी अनाउंस कर देंगे पोस्ट में कि कौन जीता है ये टूर्नामेंट, और तुम लोग जल्दी अपने इस कॉन्टेस्ट के विनर से मिलने वाले हो। तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आ गई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।